press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जोधपुर में पिपाड़ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी के पीछे यात्रा संयोजक अशोक परनामी ने कांग्रेस पदाधिकारियों के बेटों के नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदमी हैं। पथराव में कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष अब्दुल वहाब का बेटा अब्दुल सत्तार, कांग्रेसी पार्षद बाबू लाल सांखला का बेटा सुरेश सांखला और अन्य रमेश सांखला सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के ही आदमी हैं। यह कहना है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी का। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद भी गहलोत जनता से झूठ बोल रहे हैं। तीनों व्यक्ति घटना से पहले वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता सुनील परिहार और राजेंद्र सोलंकी के निरंतर संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि गहलोत बताएं कि क्या ये लोग कांग्रेसी हैं या नहीं, और यह भी बताएं कि क्या ये व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं है क्या। पत्थरबाजी को लेकर भाजपा ने आरोप लगाए थे कि ये सब अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ। गहलोत ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप राजनीतिक स्टंट हैं। परनामी ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दावे के साथ घटनाक्रम का वीडियो फुटेज भी जारी किया। उधर कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी की ओर से गौरव यात्रा पर हुए पथराव पर सहानुभूति बटोरने के प्रयास को अवसरवादी राजनीति का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि जनता की ओर से नकारी जा चुकी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए प्रपंच रचा जा रहा है। तथागति तत्वों द्वारा विरोध था, परंतु मुख्यमंत्री जी के आने के बाद किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। जब ये यात्रा इतनी अच्छी ढंग से चल रही थी तो ऐसा पिपाड़ शहर में क्या हो गया कि एकदम से विरोध आ गया। कोई कितना भी कह ले, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इस उनको जिम्मेदारी इस बात की लेनी चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से घृणित करते करने का काम किया। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, यह पहली बार कांग्रेस ने किया ऐसा भी नहीं है। जब परिवर्तन यात्रा मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी की 2003 में निकली थी तो खुद को गांधीवादी कहने वाले अशोक गहलोत जी वसुंधरा की लोकप्रियता से इतना घबराते क्यों, यह समझ में नहीं आया। तब भी उन्होंने परिवर्तन यात्रा में भी आपको मालूम होगा जालौर में, जैतारण में, बीकानेर में यात्रा पर पथराव, मंच तोड़ने जैसी घटनाएं उन्हीं के इशारे पर हुई। आपको याद होगा सामाजिक न्याय मंच बना था, उन्हीं के इशारे पर उस पर जगह जगह हिंसक विरोध हुआ था। यह किसी से छिपा नहीं कि गहलोत जी जाट आरक्षण के खिलाफ थे, और जाट आरक्षण के खिलाफ और जाट आरक्षण के खिलाफ सत्यनारायण सिंह जी उन्होंने किया था। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो थे उनकी अगुवाई में सामाजिक न्याय मंच बना था, और फिर उन्हीं सत्यनारायण सिंह जी को करौली से पारितोषिक दिया गया था, कांग्रेस का टिकट दिया गया। तो क्या जनता इस बात को समझती नहीं क्या? प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।